हाँ जी नमस्कार। सो करंट अफेयर का, करंट न्यूज का सेशन हमारा आ गया, जिसका आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि मैम कुछ करंट न्यूज जो एग्जाम्स में आने वाले। तो आज मैं देखिएगा तीन टॉपिक कवर करूंगी आपका, एक एफटीपी यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, एक इनकम टैक्स जो 2023 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और दूसरा इंडिया रिसेंट ट्रेड अग्रीमेंट यानी कि इंडिया ने किस किस कंट्री के साथ रिसेंटली ट्रेड किया है। तो ये तीन टॉपिक आज क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं और ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और रिसेंट में एक और टॉपिक आपका इसमें ऐड होगा, विवाद से विश्वास, जिसका ऑलरेडी मैंने क्लास ले लिया है, उसका भी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, इस वीडियो के साथ में। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एफटीपी के बारे में पढ़ते हैं कि एफटीपी क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है। तो देखिएगा सबसे पहले कि प्रीवियस ट्रेड पॉलिसी हमारी क्या थी। एफटीपी का मतलब क्या होता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो आपको मैं बता दूं कि अभी तक जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो चल रही थी वो आपकी 15 से 20 वाली चल रही थी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी तक जब भी बनी है वो 5 साल की बनी है, और लास्ट जो हमारी थी वो 2015 से लेकर 2020 तक थी। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि 20 में कोरोना आ गए थे, और कोरोना के बाद फिर वॉर वगैरह यूक्रेन और वो सब का स्टार्ट हो गया, तो बीच में काफी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो उसकी वजह से यही जो ट्रेड पॉलिसी जो 15 से 20 तक चलने वाली थी इसको एक्सटेंड कर दिया गया, और इसको एक्सटेंड करके मार्च 2023 तक चला। आपको पता होगा कि एक्सटेंड वाला क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको भी आपको याद रखना है। यानी जो पुरानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो कब तक थी, 2022 तक, बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया गया, और एक्सटेंड कब तक के लिए किया गया, टिल मार्च 2023 तक। और उसके बाद आपका 2023 में न्यू ट्रेड पॉलिसी आ गया, जिसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए का ये याद हो गया। उसके बाद जो हमारा प्रीवियस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था उसमें टारगेट कितना था कि हम लोग कम से कम जो टारगेट था कि एक्सपोर्ट करेंगे 900 बिलियन USD, ये हमारा टारगेट था, ठीक है। जो एंड हुआ है आपका 2020-23 में हम लोगों ने 767-770 के आसपास बिलियन जो एक्सपोर्ट किया था, और 21-22 में हम लोगों ने 676 के आसपास जो एक्सपोर्ट हमारा किया था। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेटा बस है, ये दोनों जो लाइन है ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक्सटेंड कितना किया और टारगेट हमारा कितना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये रिसेंट आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आया है, तो ये देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल, ये सभी ने मिलकर क्या किया है, लॉन्च किया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। और ये अफेक्ट्स में कब से आएगी, तो ये अप्रैल 1, 2023 से आपकी लागू हो जाएगी। यानी कि जो 2015-20 वाली जो पॉलिसी थी वो 31 मार्च तक थी, और 31 मार्च के बाद, है ना, 31 मार्च अप्रैल नहीं, 31 मार्च तक जो था आपका 2020 वाला पॉलिसी था, और जो 2023 वाला पॉलिसी था वो जस्ट आपका 1 अप्रैल से क्या हो गया, वो आपका अफेक्ट में आ गया। इसका मेन जो मोटो था वो क्या था, आपका फैसिलिटेट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एक्सपोर्ट्स। जो मेन मोटो था आपका 2023 में जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है, इसका मेन मोटो है कि आपका ईज ऑफ डूइंग को बिजनेस बनाना, जितना सिंपल से सिंपल हो सके उतना सिंपल से सिंपल बिजनेस को लेकर जाना है, ताकि एक्सपोर्टर्स को दिक्कत ना हो। यहाँ पर री इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन फैसिलिटीज पर क्या किया गया, इस पर ध्यान रखा गया। इसके मेनली 4 आपके पिलर है, कौन कौन सा, इंसेंटिव टू रिमिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू द कोलैबोरेशन, बोल रहे हैं कि कोलैबोरेशन कीजिए आप एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्टर के साथ, स्टेट्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ, इंडियन मिशंस के साथ, ये सब के साथ कहने पर जोर दिया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जितना हो सके उतना बिजनेस को ईजी बनाइए, जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो रहे हैं उनको कम करने की कोशिश कीजिए, और ई इनिशिएटिव लीजिए, जितना ज्यादा हम लोग काम कर सके उतना ज्यादा हमें ऑनलाइन पर काम करना है, इसके बारे में बात कही गई है आपकी 2023 वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पर। इमर्जिंग एरिया जो निकलकर सामने आया है, हमें फोकस जो किया जाएगा वो ई कॉमर्स पर फोकस किया जाएगा, कहा जाएगा ई कॉमर्स के डेवलपमेंट पर पूरा फोकस किया जाएगा इस बार, और साथ में आपका डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट जो है उसको हम लोग हब के रूप में यहाँ पर निखार के लेकर आएंगे। साथ में आपका जितना भी केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल सब है, ये सबके पे भी अलग अलग पॉलिसी आपकी एप्लीकेबल हुई। यानी छूट के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, निर्यात संवर्धन के लिए सहयोग किया जाएगा, व्यापार आसानी से हो सके, लेन देन आसानी से हो सके, इसके लिए हमें लेन देन के शुल्क में कमी की जाएगी, और ई पहल किया जाएगा, और साथ में ई कॉमर्स जो एक आपका उभरता हुआ जो आपका सेक्टर है उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये मेनली आपके 4 पिलर है एफटीपी के। अब ये सी 4 पिलर को आगे डिटेल में यहाँ पर मैंने चार्ट के माध्यम से बता दिया, जिसको कि आपको याद करने के बाद कॉपी में चार्ट को बना लेना है कि पहला पिलर कौन सा है, इंसेंटिव टू रिमिशन, दूसरा क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलाबोरेशन, कोलाबोरेशन किसके साथ, तो एक्सपोर्टर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और इंडियन मिशन के साथ। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो बिजनेस को ईजी कैसे करेंगे,
है ना, बिजनेस को इजी कैसे करेंगे, तो बिजनेस को इजी करेंगे कि हम लोग ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम कर देंगे और ई इनिशिएटिव यानी जो ऑनलाइन चीजें हैं उसको और इनिशिएट करेंगे। इमर्जिंग एरिया हमारा कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पर ई कॉमर्स जो होगा वो हमारा इमर्जिंग एरिया होगा, डिस्ट्रिक्ट हब एक्सपोर्ट और आपका स्ट्रीम लाइन SCOMET पॉलिसी, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे टी डबल ई एक वर्ड यहाँ पर देखा गया था। टी डबल ई का मतलब क्या होता है, टावन टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस। इसमें क्या था कि पहले से आपके एक्सपोर्ट को लेकर 39 टाउन ऑलरेडी आपके बने हुए थे। अभी आपका जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 आया है इसमें चार और टाउन को ऐड किया गया है, एक आपका फरीदाबाद, एक आपका मिर्जापुर, एक मुरादाबाद और एक वाराणसी। यानी कि पहले 39 थे, बाद में और चार ऐड हो गया, तो 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पर 43। अब ये टोटल कितना हो गया, तो टोटल ये आपका 43 हो गया। यानी कि 39 टाउन थे पहले, अब आपके 43 टाउन हो चुके हैं। इनका जो प्रायोरिटी रहेगा वो प्रायोरिटी क्या रहेगा कि EPCGS है ना, EPCG का स्कीम का, यानी EPCGS का मतलब EPCG स्कीम जो होता है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, उसके थ्रू हम लोग क्या करें कि जो भी एक्सपोर्ट होगा इस स्कीम के थ्रू हमको जाना है और उसको इनिशिएट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और इनिशिएटिव आपकी ले गई है, ईच वन टीच वन इनिशिएटिव। यहाँ पर क्या, जो आपके 2-स्टार होल्डर्स है या उससे अबव है उनको इनकरेज करने के लिए यहाँ पर ईच वन टीच वन इनिशिएटिव लिया गया है। मैम ये 2-स्टार क्या होता है, जैसे एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, तो जो जितने ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उसको उस कैटेगरी में डाला जाता है कि 2-स्टार एक्सपोर्टर कौन से हैं, 4-स्टार एक्सपोर्टर कौन से हैं, 5-स्टार एक्सपोर्टर कौन सा, ऐसे कैटेगरी में डाला जाता है। तो 2-स्टार जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको और इनकरेज किया जा रहा है। मेनली अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2023 है इस पर मेनली एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट पर पूरा फोकस किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि इस बार पूरा लग भिड़ कर हमें क्या करना है कि एक्सपोर्ट करना है और टारगेट जो है हमारा उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। और ईच वन टीचर इनिशिएटिव लिया गया है 2-स्टार जो होल्डर्स हमारे एक्सपोर्टर्स उनके लिए। आगे बढ़े, अगर हम बात करें यहाँ पे ई कॉमर्स के बारे में तो टारगेट कितना रखा गया है, यहाँ पे बोला गया है कि कम से कम हमारा 200 से 300 बिलियन 2030 तक हमारा क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए। टारगेट कितना रखा गया है, 200 से 300 बिलियन जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, आपका एक्सपोर्ट होना चाहिए ई कॉमर्स के क्षेत्र में। उसके बाद हमारा जो FTP 2023 है ये क्या कहता है कि पेमेंट रिकॉन्सिलेशन बुक कीपिंग रिटर्न पॉलिसी और एक्सपोर्ट को जितना हो सके इसको क्या करना है, हमको ये सब चीज को हमको ईजी करना है, एलिमिनेट करना है, और ई कॉमर्स को हमको क्या करना है और ज्यादा इजी वे में लेकर जाना ताकि लोगों को समझने में और उनको फॉलो करने में क्या हो, लोगों को इजी हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो रेस करने के बारे में बात की गई है कि 5 से 10 लाख तक हम लोग क्या करेंगे कंसाइनमेंट को रेस का मतलब देखो क्या है यहाँ पर कि पहले जो आपका ई कॉमर्स किया जाता था वो आपका कुरियर के थ्रू किया जाता था, ठीक है। तो कुरियर के थ्रू मतलब क्या, कंसाइनमेंट के थ्रू आप माल को भेज रहे हैं, तो पहले उसका जो लिमिट था वो मात्र 5 लाख था, अब उसका लिमिट जो है वो 10 लाख कर दिया गया है कि ई कॉमर्स में आप कुरियर के थ्रू भी कंसाइनमेंट को भेज सकते हैं। पहले सिर्फ 5 लाख तक भेजने का परमिशन था, अब आप 10 लाख तक भेज सकते हैं, कब, FTP 2023 में। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं फैसिलिटेशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने जो है यहाँ पर फोकस किया है कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन जो है हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे, डेयरी सेक्टर को हम लोग क्या करेंगे आपका ये करेंगे सपोर्ट करेंगे, डेयरी सेक्टर पर फोकस करेंगे, जो हमारा व्हीकल है ई व्हीकल उस पर फोकस करेंगे, साथ में जो टेक्सटाइल रीजन है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ये कुछ कुछ एरिया जो है रखे गए हैं आपके फोकस एरिया के रूप में। अच्छा, इसका गोल और टारगेट क्या है, तो जो आपका FTP 2023 आया है इसका गोल है कि इंक्रीज इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट $2 trillion। क्या बोला गया है कि कम से कम $2 trillion USD तक हमको जो है इंडिया का एक्सपोर्ट लेकर जाना है, कब तक, 2023 तक के टारगेट रखा गया है। मतलब 2023 में ये पॉलिसी आई है और 2030 तक का जो टारगेट है वो कितना है, $2 trillion, ठीक है ना। यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को क्या किया है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको इनकरेज किया है और कहा है कि अब जो आप क्रॉस बॉर्डर ट्रेडमेंट कर रहे हैं तो एज ए एक्सपोर्टर आपको ये कोशिश करना है कि इंडियन रुपीज में आप चीजों को क्या करें, सेटल्ड करें। किसमें करें, इंडियन रुपीज में चीजों को सेटल्ड करें। जैसे कि आपको पता है जब ट्रेड पॉलिसी होती है तो ये क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, जब भी हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपका अदर कंट्री के साथ हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो हर कंट्री का ट्रांजेक्शन करेंसी भी आपका अलग अलग है। तो यहाँ पर बोला गया कि हम लोग कोशिश हम लोग को ये करना है कि जब हम लोग ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं
तो वहां पर हम लोग इंडियन रुपीज को क्रॉस बॉर्डर यूज कर पाए। तो न्यू पेमेंट सेटलमेंट के लिए जो बोला गया है कि इनकरेज द यूज ऑफ इंडियन करेंसी को यूज करने के बारे में बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस कब किया गया था, आरबीआई ने जुलाई 2022 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो मैं जितना भी बता रही हूँ ना, इसमें से एक भी लाइन छाटना मत, ऑलरेडी मैं बहुत काट के छाट के बहुत रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो इसमें से कुछ भी आप छोड़ने की या काटने की अपने से गलती मत करना। जितना मैं दे रही हूँ उतना एकदम डिट्टो अपने दिमाग में ले लीजिए कि 2023 तक भारत का सरकार का लक्ष्य है कि 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक उसका जो है एक्सपोर्ट उसको करना है। और यहाँ पर जो हमारा जो भुगतान है, भुगतान का नया सिस्टम हमको यहाँ पर सीमा पार जाकर हमें जो है वहां पर किसका जो इंडियन करेंसी है, भारतीय मुद्रा है, भारतीय मुद्रा के उपयोग को हमको प्रोत्साहित करना है। तो ये मेन गोल और टारगेट जो है रखे गए हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। अगर मैं इसको समरी में कंक्लूड करूं जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो सबसे पहला कि टारगेट रखा गया है सबसे पहले कि ये आपका इफेक्टिव कब से हो रहा है, तो ये आपका 1 अप्रैल 2023 से ये आपका इफेक्टिव हो रहा है। उसके बाद टारगेट रखा गया है 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट 2030 तक। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के बारे में, वहां एक चीज और, जैसे कि आपको पता है कि जब भी हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आता है तो जनरली ये 5 साल के लिए आता है, लेकिन अब जो आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो अभी आया है इसमें बोला गया है कंटिन्यूअस रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क विथ नो एंड डेट, मतलब कि ये खत्म कब होगा, ये 2023 में आ तो गया है तो 5 साल के बाद आपका ये 27 में खत्म होगा कि 28 में खत्म होगा कि 29 में खत्म होगा कि 30 में खत्म होगा, ये कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने खाली बोला है कि हम आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 लेकर आ रहे हैं, 5 साल के लिए ला रही है कि 3 साल के लिए कि 7 साल के लिए, इसका कोई एंड डेट जो है वो दिया हुआ ही नहीं है। उसके बाद मेकिंग रूपी या ग्लोबल करेंसी, रूपीज को ग्लोबल करेंसी के रूप में लेकर जाना है। इंडिया का, इंडिया को क्या बनाना है, ट्रेड हब बनाना है, और इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट पर फोकस बहुत ज्यादा करना है। उसके बाद हर चीज को आपको क्या करना है, डिजिटल वे में लेकर जाना है और हर चीज को फास्ट मोड में लेकर जाना है। और इसके लिए आपको ई इनिशिएटिव का, ई कॉमर्स का, ई पहल का आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। शॉर्टफॉल जो भी ऑब्लिगेशन है उसके एमेंसिटी स्कीम का आपको यूज करना है, रिस्ट्रक्शन करना है आपको कॉमर्स डिपार्टमेंट का, और साथ में आपको 50% क्या करना, रिडक्शन करना है आपका ट्रेड ट्रेड हाउसेस में, थ्री सोल्ड में। तो ये सारे आपके जो निकलकर समरी आए हैं जिसके बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर बात किया गया है। तो नो एंड डेट, कहाँ पर क्या क्या नया आपका स्कीम आया है, किस पे गवर्नमेंट फॉलो फोकस कर रही है, ये सारी चीजें मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दी है। चलिए अब चलते हैं अपने आगे ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में कि भारत ने किस किस कंट्री के साथ ट्रेड अग्रीमेंट किया है। तो देखिएगा, भारत ने अभी आपका जो ट्रेड अग्रीमेंट, अभी दो ट्रेड अग्रीमेंट मेरे को रिसेंट देखा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECETA, फुल फॉर्म भी बताएंगे, और एक है आपका इंडिया USERTA, ठीक है, इसको हम लोग वन बाई वन देखेंगे। और जो ऑलरेडी आपका चल रहा है अग्रीमेंट वो है आपका इंडिया UAE CEPA, इसके बारे में अभी हम लोग चलिए वन बाई वन डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि ये सारे ट्रेड इंडिया के साथ चल रहे हैं, एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि इंडिया के साथ किसका ट्रेड नहीं है, तो इसको थोड़ा सा एक नजर में रखिएगा कि एशियान के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, थाईलैंड के साथ इंडिया का अग्रीमेंट है, उसके बाद बी मिस्टेक के साथ भी इंडिया का अग्रीमेंट है, उसके बाद GCC के साथ भी है, हाँ किसके साथ FTA है, किसके साथ FTA है, किसके साथ PTA है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये पूरा यहाँ पे लिस्ट है कि इंडिया का ट्रीटमेंट किसके किसके साथ, अभी किस किस कंट्री के साथ चल रहा है, ये एग्जिस्टिंग हो गया। अभी अगर हम लोग करंट में आते हैं तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका ECTA मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है। ये कब किया है तो देखिएगा, ये आपका साइन कब किया गया है, 2 अप्रैल 2022 को, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मेरे को कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा आप लोग कि इंडिया के कॉमर्स के डिपार्टमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका जो इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया का जो आपका कोऑपरेशन किया गया है, इसके बारे में दो चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले इसका पूरा नाम क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA, और पूरा नाम इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट। ये आपका साइन किया गया था 2 अप्रैल 2022 को, है ना। साइन कब हुआ था, तो 2 अप्रैल 2022 को ये आपका साइन हुआ था, लेकिन ये इफेक्ट में जो आ रहा है ये 19 दिसंबर 2022 को आया। तो आप लोग समझ सकते हैं 2022 यानी कि जस्ट आपका लास्ट आपका ईयर के मंथ का ही बात है यहाँ पे, तो ये आपका करंट का न्यूज बन जाता है। इसीलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो अग्रीमेंट को साइन हुआ है और 29 दिसंबर से ये इफेक्टिव होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है आपके लिए वो है आपका इंडिया और UAE का अग्रीमेंट। इंडिया और UAE
इन्होंने भी अग्रीमेंट साइन किया है, इनका नाम है, इस अग्रीमेंट का नाम है सीईपीए, मतलब आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये साइन कब किया गया है, तो ये साइन किया गया है 18 फरवरी को, और ये आपका इफेक्ट में कब आएगा, तो 1 मई 2022 को ये आपका इफेक्ट में आया था। मई है 2022 ही है, 23 नहीं है, ये आपका करंट का न्यूज है, ठीक है। अभी 23 में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, अभी बात चल ही रहा है सब जगह से। तो ये आपका जो हो गया, दो रिसेंट ट्रेड हो गए, ट्रेड हो गए इंडिया का, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ, एक यूएई के साथ। उसके बाद जो जो ट्रेड हो चुका है उसका लिस्ट मैंने आपको दे दिया है। तो ट्रेड अग्रीमेंट का सारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर कवर हो गया, जो एफटीपी 2023 था वो हमारा कवर हो गया। अब हम लोग चलते हैं फटाफट से आगे इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि टेलीग्राम का देखो यहाँ पे लिंक दिया गया है, प्रियंका मैम टेस्ट बुक, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है प्रियंका मैम टेस्ट बुक करके। ये जो मैं आपका क्लास ले रही हूँ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, ताकि एग्जाम के टाइम एक बार क्विक रिविजन करके चल जाना, ओके। और उसके अलावा यहाँ पे जो रेगुलर आपको वीडियोस है मेरे मिलते रहेंगे, दिख रहा है कि यहाँ पे वीडियो डेली अपडेट होते रहते हैं। 2023 का कंप्लीट यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक का वीडियो मैंने यहाँ पर आपका अपलोड कर दिया, जस्ट ये फुल्ली आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे जाके लिखिएगा @ प्रियंका मैम टेस्ट बुक, तो मेरा ये प्रोफाइल आपको दिखेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रही हूँ, जहां पर आपको मेरे 2023 के इवन जितने भी मैंने मैराथन सेशन कराए हैं वो सब भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है ना, यूजीसी नेट, सुपर कोचिंग यूजीसी नेट जाइएगा, यहाँ पर टोटल 62 वीडियोस हैं। आप टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक आपका वीक है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं, रेफरेंस लेकर पढ़ सकते हैं। आज 8 बजे भी हमारा सेशन है, और यहाँ पर हम लोग जहाँ पर 18 से लेकर 23 तक के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीट प्लेलिस्ट है, यहाँ पे जाके देख सकते हैं, 62+ वीडियोज यहाँ पर अवेलेबल, ओके। चलिएगा, तो अब हम लोग इनकम टैक्स के जो अमेंडमेंट्स है फटाफट से उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इनकम टैक्स में क्या क्या नया आया है। तो सबसे पहली बात कि ये जो आपका इनकम टैक्स में जो न्यू आपका पॉलिसी आया, जो न्यू रिजीम आया है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 से क्या होगा, आपका एप्लीकेबल होगा। मतलब ये 23-1 अप्रैल से ये आपका जो है स्टार्ट हो चुका है। आपको पता है कि 1 अप्रैल को, एक सेकेंड मैं थोड़ा दाएं हो जाती हूँ, ये मेरे पीछे छुप गया होगा, हाँ अभी ठीक है ना, ये विजिबल है ना आप लोगों के लिए, चलिएगा, हाँ आई थिंक अब विजिबल होगा, चलिएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका जो न्यू टैक्स रिजीम आया है, ये आपका निर्मला सीतारमन, आपको पता है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, और इन्होंने 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया था। और जब बजट पेश किया तो इनकम टैक्स एक ऐसा एरिया है जहां पर हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो इस साल क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपका 1 फरवरी को ही ये सारे चेंजेस आपके हुए हैं। मार्च के एग्जाम में चेंजेस आपके नहीं पूछे गए थे, मे बी जून के एग्जाम में आपको चेंजेस पूछ सकता है, तो ये वाला आपको पढ़ना जरूरी है। तो ये आपका इफेक्टिव कब से होगा, तो 1 अप्रैल से ये आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग जो होता है, हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर जो भी आपका वित्त वर्ष की शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल से होती है। उसके बाद बहुत सारे मेजर चेंज किए गए हैं, तो क्या क्या मेजर चेंज किए गए हैं 1 अप्रैल से, ये हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। 7 इनकम टैक्स के जो नए रूल, जो चेंजेस हुए हैं, एक आपका कि न्यू टैक्स रिजीम आ गया, नया स्लैब आ गया है, जो एग्जम्पशन का जो लिमिट था वो आपका हाइक कर दिया गया है, सरचार्ज को रिड्यूस कर दिया गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन को एक्सटेंड कर दिया गया है, टैक्स रिबेट को आपका रेस कर दिया गया है, और साथ में मार्जिनल टैक्स रिलीफ को भी आपके स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए अंदर में कुछ नई चीजें लेकर आई हैं। तो देखा गया कि ये सारे जो हैं आपके चेंजेस लाए गए हैं आपके इन 2023 बजट में इनकम टैक्स के अंतर्गत। तो उसको 1 बाय 1 अभी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट आपका ये है आपका, इसको मैं पेन जरा चेंज कर लेती हूँ, येलो ले लेती हूँ, ये है आपका ओल्ड टैक्स रिजीम। ये ओल्ड का स्पेलिंग क्यों गलत हो गया, हाँ जी, ये है आपका ओल्ड टैक्स रिजीम और ये है आपका न्यू टैक्स रिजीम। अब ये देखिएगा इसमें डिफरेंस क्या है, इसके पहले वाले बजट तक जो आपकी बातें आई थी स्लैब से, मैम क्वेश्चन आता है, हाँ एक बार स्लैब से क्वेश्चन आया है कि 2021-22 का जो स्लैब है उसका परसेंटेज क्या था, 5, 10, 15, 20 या 5, 10, 12, ऐसे अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए स्लैब को अच्छे से याद करेंगे। तो ओल्ड का जो आपका था कि 2.5 लाख तक जो था वो आपका निल था, है ना, 2.5 लाख तक का जो आपका लिमिट था वो क्या था आपका कि 2.5 लाख तक का निल था, 2.5 लाख में कुछ भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं थी, 2.5 से 5 लाख में 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 25,
ना, 20-25 और उसके पास 30, ये इतने सारे स्लैब थे आपके कि अमाउंट बढ़ते जाएगा, स्लैब बढ़ते जाएगा, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन जो आपका न्यू टैक्स रिजिम आया, इसमें एग्जम्पशन जो है आपका वो 3 लाख तक कर दिया गया, कि अगर 3 लाख रुपए तक आप कमा रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये तो आपका स्लैब के बारे में बात हो गया। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा बहुत लोगों के मुंह से कि अगर आप 7 लाख रुपया तक कमा रहे हैं तो आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, सुना है आपने। अब वो कैसे होगा ये भी मैं क्लास में अभी डिस्कस करूंगी। सबसे पहले इसको समझिए कि यहाँ पर लिखा है कि 3 लाख तक नील है और 7 लाख तो 6 से 9 के बीच में आ रहा, तो 10% लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले स्लैब याद कर लेते हैं कि 3 लाख तक कुछ भी नहीं देना है। 3 से अगर 6 लाख होता है तो 5%, 6 से 9 लाख के बीच में होता है तो 10%, 9 से 12 में 15, फिर 20 और फिर 30। मैम यहाँ पे चेंजेस क्या आया, यहाँ पर चेंजेस आया कि एक स्लैब कम हो गया है। पुराना वाले में ध्यान से देखोगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 था, लेकिन नए वाले में 5, 10, 15, 20 और 30, मतलब 25 वाला जो स्कीम था उसको इन्होंने हटा दिया है। डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर दिया है कि 30 लाख कर दिया है, ठीक है। तो स्लैब याद हो गया, स्लैब 5, 10, 15, 20, 25, 30 और यहाँ पर खाली आपका 25 हट गया है, मतलब 5, 10, 15, 20, 30 खाली 25 वाला यहाँ पर हट गया है। अमाउंट 3 से आपका 3, 0 से 3 लाख, 3 से 6, 3 3 का गैप यहाँ पर जो है आपका होते रहता है और यहाँ पर आपका पुराने वाले में 2.5-2.5 लाख का गैप आपका होते रहेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सरचार्ज के ऊपर कि सरचार्ज में क्या चेंजेस आया है। तो अगर ओल्ड सरचार्ज का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका इनकम टैक्स बनता है उस पर आपको एक और टैक्स देना पड़ता है, जो कि रिच पीपल होते हैं। रिच पीपल का मतलब क्या है, जिनके पास क्या, हम लोग क्या है, हम लोग तो मैंगो पीपल है, बोले तो आम इंसान। रिच पीपल कौन है, जिनके पास पैसा है, दैट आर रिच पीपल। तो उनके पास, जिनके पास पैसा है उनको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है। गवर्नमेंट कहती है कि भैया इतना पैसा कहाँ लेकर जाओगे, आओ हमें भी कुछ दे दो। तो जो रिच पीपल होते हैं उनको सरचार्ज देना पड़ता है। सरचार्ज का मतलब कि इनकम टैक्स तो पे करना है, इनकम टैक्स के ऊपर एक और टैक्स पे करना है, यानी कि सर चार्ज। और ये जनरली जो पैसा होता है ये आपका रोड एंड हाईवे ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के लिए ये पैसे आपके जाते हैं। तो ये देखो ये क्या था कि अगर कोई व्यक्ति 50 लाख से 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, अभी जो कमाने वाला जो सिस्टम होता है ना, जो भी टैक्स स्लेब आता है ये ईयरली का आता है, याद रखना है ना। कमाने को तो लोग 3 लाख भी महीने कमाते हैं, लेकिन यहाँ जो भी आपकी बातें कही जाती है वो आपकी ईयरली बेसिस पर, यानी कि सालाना बातें होती है। कि कोई व्यक्ति अगर साल में 50 लाख से 1 करोड़ तक कमा रहा है तो उसको पहले भी 10 देना था, अभी भी 10 देना है। कोई व्यक्ति अगर 1 से 2 करोड़ कमा रहा है तो उसको पहले भी 15 देना था, अभी भी 15 देना है। कोई व्यक्ति अगर 2 से 5 करोड़ कमा रहा है उसको पहले भी 25 ही देना था, अभी भी 25 ही देना है। लेकिन चेंज हुआ है वो लास्ट में जाके चेंज हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति साल में 5 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहा है, क्या करोगे भाई इतना पैसा लेकर, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति साल में 5 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है तो पहले उसको 37% देना पड़ता था गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स के ऊपर और 37% का, समझ रही हो। हाँ, अगर मान लो इनकम टैक्स 100 रुपया देना है तो आपको उस पर आपको 137 रुपया देना है, मतलब 37 रुपया और लगा दो उस पर, तो उसको कम कर दिया गया, बोला कि भैया 37 मत दीजिए, आप 25 का 25 ही दीजिए, बस ये आपका चेंजेस किया गया, लास्ट वाले में आपका चेंज कर दिया गया है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो जो न्यू टैक्स रिजीम आया उसमें सरचार्ज जो हो गया वो आपका क्या हो गया है, वो आपका रिड्यूस कर दिया गया है, 37% से आपका 25% कर दिया गया है। किस पर, अगर आप 5 करोड़ साल का कमाते हैं तो, 5 करोड़ से ज्यादा का कमाते हैं तो, यानी जो आपका पहले पूरा जोड़ जाड़ कर आपका 42.74% लग रहा था, अब वो पूरा एड वाइड करके आपको ओनली 39% देना पड़ेगा। मतलब आप ये बोलो कि भैया जो जितना कमा रहा है, अगर वो 5 करोड़ कमा रहा है ना, तो 5 करोड़ का 39% वो टैक्स दे रहा है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सरचार्ज का कंडीशन, क्लियर हुआ। अब आ जाइए आपको जो आपको यहाँ पर डाउट हो रहा था, ठीक है ना। अभी हम लोग आएंगे, कहाँ पर गया हमारा वो वाला चार्ट, कहाँ चला गया, अरे एक चार्ट हमारा मिस हो गया, चलिएगा एक चार्ट हमारा मिस हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। अब आपको ये तो पता है ना, वो चार्ट मिस हो, कोई बात नहीं। आपको ये तो पता है ना कि जीरो से, आपको ये तो पता ही होगा कि 0 से 3 लाख पर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कमा रहे हैं तो 0%, यानी कुछ भी आपको इंटरेस्ट नहीं दे, कुछ भी टैक्स नहीं देना, वो नील होता है। अगर 3 से 6 लाख कमा रहे हैं तो आपको जो है, ये क्यों गलती हो रहा है, ठीक है। अगर आप, फिर से मैं लिखती हूँ, अगर आप 0 से 3 लाख कमा रहे हैं
तो ये निल है। अगर आप 3 से 6 लाख कमा रहे हैं तो ये 5% है, अगर आप 6 से 9 लाख कमा रहे हैं तो ये 10% है, और आप 9 से 12 लाख कमा रहे हैं तो ये आपका 15% है, अगर आप 12 से 15 कमा रहे हैं तो ये आपका कितना है 20 है, और 15 से अगर अबव जा रहे हैं तो ये आपका 30 है। ये स्लैब आप लोग को तो पता ही है, अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था। अब यहाँ पर जो आप लोग सुनते हो ना कि मैम 7 लाख तक जो है, कितना 7 लाख तक अगर आप कमा रहे हो तो कुछ भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, तो मैम कैसे ये होता है, तो इस चीज को समझिए। सबसे पहली बात कि 7 में 3 लाख में तो नील है, तो 3 लाख हमारा, 3 लाख तो नील ही है, तो हमारा 3 लाख तो चला गया, अब बचा कितना 4 लाख, तो 4 लाख जो है मतलब 3 से 6 वाला जो है 5% देना पड़ेगा, यानी कि 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा आपका 1500 हो जाएगा। उसके बाद जो बचा 1 लाख और, तो वो 6 से 9 वाले स्लैब में आ जाएगा। 7 लाख आप कमा रहे हो, सपोज दैट कि आपकी जो इनकम है वो कितनी है, आपकी जो सैलरी है वो 7 लाख है, तो 3 लाख तक तो नहीं है, 3 लाख पे टैक्स देने का जरूरत नहीं है। उसके बाद 3 से 6 लाख पे 5% आपको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने बोला है ना। उसके बाद 6 से 9 लाख पे 10% देना पड़ेगा, तो यानी 6 से 9 में 1 लाख बच रहा है, तो ये 1 लाख पर कितना देना होगा आपको 10%, मतलब कि आपका 10,000, ठीक है ना, 10,000 और 15,000 हो गया, टोटल कितना हो गया आपका 25,000। तो अगर नॉर्मल केस में देखा जाए तो जो व्यक्ति 7 लाख कमा रहा है साल का, उसको 25,000 टैक्स देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि हम यहाँ पर आपको देंगे रिबेट, और ये रिबेट आपको हम दे रहे हैं 87A के थ्रू, है ना, अंडर सेक्शन 87A के थ्रू हम आपको ये रिबेट दे रहे हैं कि ये 25,000 आपको पूरा का पूरा जो है ये छूट दे दिया जाएगा। अगर आप 7 लाख रुपया कमा रहे हैं या 7 लाख से कम रुपया कमा रहे हैं तो आपको 1 चवन्नी भी गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 7 लाख 1 रुपया भी कमा लिए ना तब फंस जाओगे। अभी आओ आगे हम लोग देखते हैं, यहां तक क्लियर हुआ, पहले मुझे बताओ यहां तक क्लियर हुआ सभी को, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम जो है वो एप्लीकेबल तो आपका 1 अप्रैल से हो रहा है, ये तो बात आपको पता है। जब आप टैक्स पे करने के लिए जाओगे तो पोर्टल पे आपको चूज करना पड़ेगा न्यू वर्सेस ओल्ड, कौन सा आपको चूज करना है। अगर ओल्ड आपने चूज कर लिया तो ठीक है, अगर कोई आपने नहीं चुना तो बाय डिफॉल्ट आपका जो है न्यू टैक्स रिजीम ही आपको ऑटोमेटिक आपका वहां पे चूज हो जाएगा, ठीक है ना, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और अगर टीडीएस जो कट रहा है तो टीडीएस में आपका जो ऑटोमेटिक जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अकॉर्डिंग आपका टीडीएस कटेगा, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बता दूं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है आपका, उसमें पहले आपका 25,000 तक का आपको डिस्काउंट है, रिबेट अलग है, रिबेट आपका अलग है और आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग है। रिबेट का मतलब जो गवर्नमेंट आपको छूट दे रही है, डिडक्शन का मतलब जो आप अपने जो टैक्स पे करना है उसके ऊपर जो डिडक्शन आप ले सकते हो, वो वाली बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये आपका पहले 25,000 था, अब इसको 50,000 कर दिया है, और 80C का जो बेनिफिट है जिसमें LIC वगैरह मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह आता है उसको भी यहाँ पर 1.5 लाख कर दिया गया है। तो ये डेटा को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो कितना कर दिया गया आपका 50 लाख कर दिया गया है सैलरी वाले इनकम के लिए। उसके बाद आपको बता दें कि पहले जो टैक्स रिबेट था, अगर पहले अगर ओल्ड वाले में जाएंगे हम लोग 22-23 वाले फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे तो उसमें अगर आप 5 लाख तक का कमा रहे थे तो वहां पर आपको 12,500 रुपया रिबेट मिल रहा था, यानी अगर आप 5 लाख कमाते थे तो आपको कुछ भी टैक्स पे करने का जरूरत नहीं था। अब जो न्यू टैक्स रिजीम आया है इसमें क्या हो गया है, जो 23-24 फाइनेंशियल ईयर में है यहाँ पर आपको क्या बोला है कि अगर आप 7 लाख कमा रहे हैं तो आपको कुछ भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर जो आपको रिबेट दिया गया है वो आपको कितना का दिया गया है, तो 25,000 रुपये का। तो इसको भी याद रखिएगा कि जो पहले आपका रिबेट था वो कितने का था, मात्र 12,500 का। पहले अगर 5 लाख कमा रहे थे आप तो 1 भी रुपये टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब अगर आप 7 लाख रुपए तक भी कमा रहे हैं तो आपको 1 भी रुपए टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है, मैंने पूरा कैलकुलेट करके आपको समझा दिया, आई होप के डाउट आपको नहीं होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल टैक्स रिलीफ इंट्रोड्यूस फॉर स्मॉल टैक्स पेयर, जो स्मॉल टैक्स पेयर है अब उनके लिए क्या बात हो रही है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका इनकम टैक्स 7 लाख तक तो आपका एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर 7 लाख से अगर मान लीजिए कि आपका 7,100,000 रुपये आप कमा रहे हैं तो इस केस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और 25,010 रुपया आपका इसके हिसाब से आपका टैक्स बनता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 100 रुपया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 25,010 रुपया जो है आपको बिफोर सेस, अभी सेस इसमें नहीं लगा है, इतना आपको पे करना पड़ेगा।
अगर इस पर भी आप लोग कुछ डिस्काउंट चाहते हैं तो फिर आप जाके वहां पर अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं, उस पर आपका टैक्स डिपार्टमेंट सोच सकता है कुछ, अगर वहां पर रिलैक्सेशन का अगर रिलीफ का कोई अगर आपका होगा तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाके बोलिए कि हाँ भैया मेरा 7 लाख नहीं आ रहा, 7,50,000 आ रहा है या 7,20,000 आ रहा है, तो वो कुछ अगर रिलीफ उसके हाथ में होगा तो वो दे सकता है, ऐसा भी बात कहा गया है। आगे LTA मतलब लीव ट्रेवल ये कहते क्या बोलते हैं इसको, LTA जो लीव ट्रेवल अलाउंसेस जो होता है आपका, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, इसका जो पहले लिमिट था वो 3 लाख तक था, तो इसको बढ़ाकर आप कितना कर दिया गया, इसको बढ़ा के आप 25 लाख तक का कर दिया गया है। ये पहले 3 लाख तक का बस आपका एग्जाम था, आप 25 लाख तक जो है आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको रेस कर सकते हैं। TDS का जो EPF जो था, EPF पे EPF मतलब आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उस पर जो आप विड्रॉल कर रहे थे उस पर आपका TDS लगता था, मतलब टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, कुछ पैसा काट कर आपके पास आता था, उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। उसमें क्या रिड्यूस किया गया है जरा देखिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है मुझे को बताइए ना, यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? चलिएगा अभी देखिएगा, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, TDS को कैसे आपका रिड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर EPF का मतलब आपका हो गया इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, कि आप लोग पैसा डालते हैं, पैसा आपका कट रह जा रहा है, फिर पैसा आपको निकालना भी होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 50,000 से कम का पैसा अगर आप निकालते हैं अपने 5 साल के सर्विस में, तब तो कुछ भी आपका पैसा नहीं कटेगा, लेकिन अगर 5 साल के ऊपर, अगर आप 50,000 से ऊपर का पैसा अगर निकालते हैं तो पहले आपका कितना कट जाएगा, आपका 10% कट जाएगा, और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपका 20% कटेगा। कहीं लिखा है 20%? कहीं नहीं लिखा है, याद रखिएगा कि अब आपका 20% कटेगा। पहले के समय में क्या था कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो वहां पर आपका 30% कटता था, तो इसी को 30 से क्या कर दिया गया है, 20% कर दिया गया है, और इसी को गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने रिड्यूस कर दिया है। मतलब कि अगर आप 50,000 से ऊपर का पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है सपोज दैट, तो आपको 20% का डायरेक्टली TDS जो है वो कट जाएगा, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि इन केस ऑफ विड्रॉल वेयर EPF अकाउंट इज नॉट सीडेड विद अकाउंट होल्डर पैन कार्ड, TDS विल कम डाउन टू 20% 1 अप्रैल 2023, जो कि पहले कितना था आपका 30%, तो ये भी आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और हाँ, 50,000 से अगर कम का पैसा निकाल रहे हो, 50,000 से कम का अमाउंट निकाल रहे हो, तो कुछ भी आपका TDS वहां पर नहीं कटेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो आपका प्रेजम्पटिव स्कीम है, जिसके बारे में आपको पता है कि 44AD और 44ADA में हम लोग प्रेजम्पटिव स्कीम पढ़ते हैं, इसको डिटेल से पढ़कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स के लिए। वो पहले आपका क्या था कि 44AD में आपका 2 करोड़ का आपका जो था टर्नओवर को लेते थे हम लोग, उसको बढ़ा के कर दिया गया कि जिसका टर्नओवर 3 करोड़ जो होगा वो 44AD में आएगा, और जहां पर आपका 44ADA में यानी प्रोफेशनल के ऊपर जो लगता था टैक्स, उसमें आपका जहां पर 50 लाख था उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 75 लाख आपका कर दिया गया। तो ये दो और मेजर चेंजेस आए हैं, 44AD में 2 करोड़ से 3 करोड़, और प्रोफेशनल वाला यानी 44ADA में 50 लाख से 75 लाख का कर दिया गया है, ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। LTCG का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि आपका टैक्स बेनिफिट जो है अब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इन रिसेंटली पास्ट फाइनेंस बिल 2023 LTCG टैक्स बेनिफिट ऑन डेट म्यूचुअल फंड हैव बीन टेकन अवे, अब इस पर आपको क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट जो है वो आपको नहीं मिलेगा, इसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या करेंगे, जो भी आप म्यूचुअल फंड में आप ये कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको 1 अप्रैल से हम लोग किसमें आपको कंसिडर करेंगे, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कंसिडर करेंगे, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर आपके पास कोई फिजिकल गोल्ड है तो अगर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कन्वर्ट करा लेते हो तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये बात यहाँ पर निकलकर सामने आई। यहाँ पर गवर्नमेंट चाहता है कि लोग जो है फिजिकल गोल्ड से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड के तरफ जाए, तो इन द मूव सीम दैट एम टू इनकरेज द परचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को परचेस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कैपिटल गेन पर जो आपका टैक्स लगता था ना, जैसे कैपिटल गेन का मतलब आपके पास जो फिजिकली गोल्ड है, तो अगर आपके पास गोल्ड एक लिमिट है, अगर उससे ज्यादा अगर आपके पास गोल्ड है लिमिट से ज्यादा, तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप फिजिकल गोल्ड को अगर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में या पेपर गोल्ड में कन्वर्ट करा लेते हो तो आपका ये वाला टैक्स का पैसा भी यहाँ पर बच सकता है, आप देख लो, करना है तो करो, नहीं करना तो टैक्स भरो, सिंपल सी बात है। अच्छा आगे आते हैं, उसके बाद न्यू कैप बोला गया है, री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल गेन
फ्रॉम द सेल ऑफ हाउसिंग प्रॉपर्टी। हाउसिंग प्रॉपर्टी को लेकर यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पे जो 10 करोड़ का जो कैप है वो आपका इंकरेज किया, आपका जो इम्पोज किया गया है 54 और 54F में, और एनी गेन अबव दैट विल बी टैक्स टू 20%, से ज्यादा होने पर आपका कितना लग जाएगा, 20% लग जाएगा। चलिएगा आगे, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग पर भी जो है आपका यहाँ पर टैक्स लगा दिया गया है। उसके बाद और भी एक नया वर्ड आया है यहाँ पर देखिएगा, हाँ, मैच्योरिटी इज नो मोर एग्जम्पशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड टैक्सेबल फॉर प्रीमियम ओवर 5 लाख, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपका जो गेमिंग है 115BBJ, इसका याद रखिएगा क्योंकि नया एक आपका टर्म है। तो अगर ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई तरह का पैसा आप जीतते हैं या आपको कुछ वाउचर मिल रहा है या लॉटरी वगैरह या कुछ ऐसा काइंड का आपको कुछ हो रहा है ऑनलाइन गेम खेलने से, तो उस पर भी आपको 30% जो होगा वो आपको फ्लैट टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सिंपल सी बात, गवर्नमेंट ने बोल दिया है। चलिएगा, पबजी वाला है कि नहीं मेरे से मेरे को मत पता, मेरे को नहीं पता, पबजी वाला भी देखो इसमें ऐड हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपका फिर क्या बोल रहा है, आपका जो आपको पता है कि अगर आप लोग टैक्स लेट फील करते हो यानी बिलेटेड रिटर्न अगर फील करते हो तो वो 139 में आता है। तो बोल रहे हैं कि अगर अगर जो ड्यू डेट है, अगर ड्यू डेट में अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया तब तो आपको जो है इसका जो एग्जम्पशन है, कहीं लिखा हुआ एग्जम्पशन जो है अंडर सेक्शन 1 में 11 में मिल तो जाएगा। लेकिन अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया, अगर वो डेट भी आपका क्रॉस हो गया, तो फिर हम आपको जो एग्जम्पशन दे रहे थे अभी तक इशारे डिडक्शन वगैरह ये सब में, वो एग्जम्पशन आपको हम नहीं दे पाएंगे। गवर्नमेंट सीधा सा यहाँ पर बात बोल रही है, मतलब गवर्नमेंट ने इतनी जोर से कान पकड़ा है ना घींच कर कि पैसा नहीं दोगे तो जाएंगे कहाँ, तुमको तो पैसा मेरे को देना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट करते जा रही है गवर्नमेंट डे बाय डे, जस्ट बिकॉज कि वो जनता से सही से पैसे वसूल कर पाए। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद आपका जो मैक्सिमम जो लिमिट है आपका SCCS में, जो आपका सीनियर सिटीजन जो होते हैं ना सेविंग स्कीम, उसका मैक्सिमम लिमिट जो है पहले 15 लाख था, उसको भी बढ़ाकर यहाँ पे 30 लाख कर दिया गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देती हूँ ताकि आपको देखने में असुविधा ना हो। तो ये आपका जो 15 लाख था उसको बढ़ाकर 1 अप्रैल से ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप जो है 30 लाख तक का रुपया जो है आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक बात हो गई। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, तो बस आगे हमारी जो है काम यहाँ पर समाप्त हो गया। आई होप कि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, जितने भी नए नए चेंजेस हुए थे। अब ज्यादा टाइम है नहीं, ये आज आपका 10 तारीख हो चुका है, 2 दिन के बाद एग्जाम है, तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण देके कोई मतलब नहीं है। पूरा फैक्ट्स और फिगर्स मैंने आपको बता दिया है, इसको बस याद कर लीजिए। ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद एक आपका विवाद से विश्वास है, इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाइए देखिए, इसका भी जो आपका पूरा का पूरा PDF है वो मैं आपको पूरा देखू, ये इस तरह से मैंने पूरा पढ़ाया है विवाद से विश्वास। तो ये पूरा PDF जो है ये मैं आपको टेलीग्राम पर, जो कि मेरा है प्रियंका मैम टेस्ट बुक, जो यहाँ पे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर डाल दूंगी। प्लीज इसको डाउनलोड कर लीजिएगा अच्छे से ज्वाइन करके, ठीक है, ताकि आपको रेगुलर जो है मेरे वीडियोस मिलते रहे। ये PDF मिल जाएगा तो एक बार आप रिविजन भी कर सकते हो। तो विवाद से विश्वास में आपका 2 बार क्वेश्चन आ चुका भी है, 23 में भी आया और 22 में भी आया, तो हल्के में इसको नहीं लेना है। ठीक है, पूरा मैंने इसमें कवर कर दिया विवाद से विश्वास। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा आप बच्चों का हेल्प कर पाए उतना ज्यादा उस अच्छा होगा। और दूसरी बात कि यहाँ पर अभी 8 PM पर हमारा क्लास है, 8 PM पर हम लोग 2018 से लेकर 2023 तक के मैं पेपर आपको सॉल्व करा रही हूँ, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक का पेपर सॉल्व कराना है, देखिए कितना हो पाता है। 3 यूनिट के ऑलरेडी हो चुके हैं, 1, 2, 3 का, आज हमारा 4, 5 का भी हो जाएगा। तो आप लोग को ज्वाइन करना है तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारे PDF के लिंक भी और सारे आपको क्लासेस के लिंक भी मिल जाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। होप्स हो कि वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ वीडियो पसंद आया या नहीं आया, या कौन से टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, बाय बाय।